चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए हम सीधे आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड का जो पहला रुझान जो है काउंटिंग का वो आ चुका है, जिसमें कि वोट किसको कितना मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले स्थान पर है रितेश आलोक रितेश डुंगडुंग, इसको जो है 186 वोट मिला है। नीलकंठ सिंह मुंडा, इन्हें जो है 4,339 वोट मिला है। राम सूर्या मुंडा, इनको 5,787 वोट मिला है। बी अनिल कुमार, इनको जो है 303 वोट मिला है। मसी चरण मुंडा, इनको 78 वोट मिला है। सामुएल पूर्ति, इनको 49 वोट मिला है। सोमा मुंडा, इनको 131 वोट मिला है। चंपा हरेंज, इनको 40 वोट मिला है। दुर्गा ओरिया, इनको दुर्गावती ओरिया माफ़ करिएगा, दुर्गावती ओरिया, इनको जो है 87 वोट मिला है। पास्टर संजय कुमार तिर्की, इनको जो है 172 वोट मिला है। विश्वकर्मा उराव, इनको 213 वोट मिला है, जबकि नोटा में जो है 300 वोट पड़ा है। ये खूंटी विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा था जो अभी फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में पहला रुझान जो है आ गया है। हम अब तोरबा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें जो है कोचे मुंडा, इनको जो है 3,244 वोट मिला है। सावित्री देवी, इनको 71 वोट मिला है। सुदीप गुड़िया, इनको जो है 6,710 वोट मिला है। इसके अलावा कुलन पत्रस आइंद, इनको 138 वोट मिला है। रिलन एनम होरो, इनको 24 वोट मिला है। और विल्सन भेंगरा, इनको 156 वोट मिला है। सिमरन गुड़िया, इनको जो है 16 वोट मिला है। अनीता सुरीन, इनको 33 वोट मिला है। पुनीत हेम्ब्रोम, इनको 20 वोट मिला है। विनोद कुमार बड़ाइक, इनको जो है 41 वोट मिला है। ब्रजेंद्र हेम्ब्रोम, इनको 209 वोट मिला है, जबकि शिवराज बड़ाइक, इनको जो है 45 वोट मिला है और 155 वोट नोटा में पड़ा है तोरबा विधानसभा क्षेत्र से। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में लोगों जो प्रत्याशी है खूंटी और तोरबा विधानसभा क्षेत्र, इनमें से इन लोगों को वोट पड़ा है। अब तक दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम ने बढ़त बनाया हुआ है। फिलहाल आगे के काउंटिंग का इंतजार है।